सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ओशियन 8। फिल्म की शुरुआत में हम जेल में डेबी ओशन को देखते हैं, जिसे 5 साल की सजा हुई है, लेकिन वो पैरोल पर जेल से बाहर आ जाती हैं। अब डेबी एक स्टोर में जाकर कुछ आइटम सिलेक्ट करती हैं। वो चुपके से उस प्रोडक्ट के प्राइस टैग हटाकर कैश काउंटर पर जाती हैं और कहती है कि ये सब उसने पिछले हफ्ते खरीदा था और अब वो इन आइटम्स को वापस करना चाहती हैं। कैशियर डेबी से इस सामान की रिसिप्ट मांगती है। डेबी कहती है कि उसके पास रिसिप्ट नहीं है, लेकिन सारा आइटम ब्रांड न्यू है। कुछ देर बाद डेबी कहती है कि वो ये आइटम उसके पास रखने के लिए तैयार है। वो कैशियर से एक बैग मांगती है और वो सामान को बैग में रखकर चली जाती है। अगले सीन में हम लाओ को देखते हैं, जो अपनी बाइक पर वर्ल्ड टूर करने का सपना देख रही है। लाओ डेबी की क्लोज फ्रेंड और क्राइम पार्टनर है। डेबी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, जो उसने स्टोर से चुराई थी। लाओ डेबी को उसके नए प्लान में साथ देने के लिए तैयार है। डेबी बताती है कि उसका प्लान है एक बेशकीमती नेकलेस चुराना, जो जमीन के 50 फीट नीचे एक लॉकर में है। लाओ डेबी को अपने घर लेकर आती है। अगली सुबह डेबी आर्ट गैलरी जाती है, जहां पर वो क्लाउड नाम के एक आदमी से मिलती है। क्लाउड डेबी से बात करने के लिए आगे आता है, तभी डेबी एक नकली चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। क्लाउड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो सिर्फ क्लाउड के शर्ट का बटन तोड़कर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डेबी और लाओ एक म्यूजियम में है, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें पता चलता है कि म्यूजियम में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफनी द्वारा होस्ट किया जा रहा है। रिपोर्टर डेफनी से पूछते हैं कि वो पार्टी में क्या पहनेगी। डेफनी बताती है कि उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है। अब डेबी और लाओ एक फेमस डिजाइनर के पास आते हैं, जिसका नाम है रोज। रोज का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। पहले तो रोज डेबी और लाओ को जर्नलिस्ट समझती हैं, जिसके बाद डेबी रोज को बताती है कि एक बेशकीमती हार के लिए उसकी ज़रूरत है। वे रोज से कहते हैं कि तुम डेफनी को पार्टी में ये नेकलेस पहनने के लिए कन्विंस करो। अब डेबी एक ज्वेलरी शॉप में जाकर इंडियन गर्ल अनीता से मिलती है, जो कि ज्वेलरी बनाने में एक्सपर्ट है। डेबी उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। जब डेबी घर आती है, तब लाओ के साथ एक और लड़की मौजूद होती है, जिसका नाम है नाइन बॉल। लाओ बताती है कि वो यहाँ की सबसे बेस्ट हैकर है, जिसके बाद नाइन बॉल उस एरिया की लाइट हैक करके अपनी स्किल दिखाती हैं और डेबी उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती हैं। जिसके बाद डेबी और लाओ रोज को किसी और से मिलवाने लेकर जाते हैं, ताकि वे डेफनी को नेकलेस पहनने के लिए कन्विंस कर सके। कुछ देर बाद वो लड़की वहां आती है और रोज अपना काम काफ़ी अच्छे से करती है। उनके फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। दोस्तों, यहां हमें पता चलता है कि वो लड़की डेफनी की कज़िन है। डेफनी को पता चलता है कि उसकी कज़िन रोज को अपनी डिज़ाइनर के तौर पर साइन करना चाहती है। ये सुनकर डेफनी को जेलसी होती है और वो रोज को अपने डिजाइनर बनाने के लिए मीटिंग सेट करती है। जिसके बाद डेबी और लाओ को एक लड़की कॉन्टेंस के बारे में पता चलता है, जो कि एक पॉकेट मार है। वे कॉन्टेंस से मिलते हैं और उसे भी अपने नेकलेस चुराने के प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब उन्हें अपने प्लान को कामयाब करने के लिए एक और टीम मेंबर की जरूरत है। अगले दिन डेबी टैमी से मिलने जाती है, जो चोरी करने में माहिर है। शुरुआत में टैमी प्लान में शामिल होने से इनकार करती है, लेकिन जब डेबी उसे नेकलेस की प्राइस बताती है, तो वो तुरंत प्लान में शामिल हो जाती है। अगले दिन पूरी टीम लाओ के घर पर मीटिंग करती है, जहां उनके पास म्यूजियम का मॉडल है। डेबी बताती है कि प्लान में शामिल हर एक मेंबर को $16 मिलियन मिलेंगे। उनके पास प्लानिंग करने के लिए 5 सप्ताह का समय है और उनका टारगेट है बेशकीमती नेकलेस, जिसे ट्रूसेंट के नाम से जाना जाता है। इस नेकलेस को पार्टी की होस्ट डेफनी पहनेगी। अब डेमी 3D प्रिंटर का बंदोबस्त करती है, ताकि वे टूसेंट नेकलेस जैसा हुबहू फेक नेकलेस बना सके। अगले दिन रोज और अनीता कार्टियर से मिलने जाती हैं, जिनके पास वो हार है। मैनेजर बताता है कि नेकलेस की प्राइस $150 मिलियन है और वो नेकलेस उन्हें देने से मना कर देता है। रोज उन्हें ये कहते हुए मनाने की कोशिश करती है कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन दिन ब दिन कम हो रही है और नेकलेस पिछले 2 साल से अंडरग्राउंड लॉकर में है। रोज बताती है कि अगर हॉलीवुड एक्ट्रेस इस नेकलेस को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में पहनेगी, तो उनकी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। जिसके बाद मैनेजर नेकलेस देने के लिए एग्री हो जाता है। रोज बताती है कि वे सबसे पहले नेकलेस को देखना चाहते हैं। रोज अपने ग्लास पहनती है और नेकलेस का स्कैनिंग शुरू हो जाता है। रोज अजीब तरीके से नेकलेस को देखती है, जिसके कारण मैनेजर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। फाइनली नेकलेस का स्कैनिंग कम्प्लीट हो जाता है। अब वे 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए उस नेकलेस जैसा हुबहू नेकलेस बनाते हैं। अब नाइन बॉल सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों का लिस्ट निकालती है और पता लगाती है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज का नाम पॉल है। पॉल की सोशल मीडिया प्रोफाइल से नाइन बॉल को पता चलता है कि पॉल एक डॉग लवर है। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए नाइन बॉल पॉल को एक ईमेल भेजती है और इस तरह से वो पॉल का कंप्यूटर हैक कर लेती है।
इसी दौरान टैमी पार्टी होस्ट करने वाली कंपनी में कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाती है और उसे आसानी से ये जॉब मिल जाती है। ऑफिस में टैमी अपना काम शुरू करती है। वो स्कैनिंग ग्लास पहनकर सिटिंग अरेंजमेंट जैसी कई चीज़ें स्कैन करती है, जिससे टीम को मालूम पड़ता है कि पार्टी में डेफनी के साथ कौन रहेगा। इसके बारे में डेफनी ने अभी तक नहीं बताया है, इसलिए डेबी के साथ डिस्कस करने के बाद टैमी डिनर के दौरान डेफनी के डेट के तौर पर एक गेस्ट का नाम ऐड करवाती है। अगले सीन में हम डिनर इवेंट को देखते हैं, तभी वहां पर डेबी का एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड आकर डेफनी के साथ बैठता है। वे दोनों बातें करते हैं। टैमी सरप्राइज है कि आखिर डेबी ने क्लाउड को इस काम के लिए क्यों चुना। टैमी बताती है कि वो क्लाउड को 10 साल पहले मिली थी जब वे एक साथ काम करते थे। क्लाउड आर्ट पेंटिंग की हेरफेर करने में उस्ताद था। वो एक ही पेंटिंग को 2 कस्टमर को बेच देता था, जिससे क्लाउड और डेबी काफ़ी पैसा कमाते थे। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद वे एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी क्लाउड डेबी से एक कागज़ पर साइन करवा लेता है। वो कहता है कि उसे एक पेंटिंग बेचने में पार्टनर बना रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक सेटअप था। क्लाउड ने एक पेंटिंग चोरी के मामले में डेबी को फंसा दिया था और उसके खिलाफ गवाही भी दी थी। इस मामले में डेबी को 5 साल की सजा हुई थी। अगले दिन डेबी म्यूजियम में जाती है और बाथरूम के सामने खड़ी रहती है। लव और 9 बॉल सीसीटीवी कैमरे से डेबी को देख रहे हैं, जिसके बाद वे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं। वहीं टैमी ऑफिस में बताती है कि पार्टी के लिए हायर की गई कैटरिंग सर्विस अच्छी नहीं है। सेलिब्रिटीज़ को इस कैटरर का खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए टैमी उस कैटरर को काम देने के लिए कहती है, जिसे वो पर्सनली जानती है। अब हम देखते हैं कि टूसेंट नेकलेस को भारी सिक्योरिटी के साथ लॉकर में से बाहर लाकर डेफनी के पास ले जाया जाता है। डेफनी नेकलेस की खूबसूरती की तारीफ करते हुए नेकलेस को पहन लेती है। कुछ देर बाद रोज नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नेकलेस नहीं खुलता। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि इस नेकलेस के लॉक को खोलने के लिए स्पेशल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। रोज इस घटना को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती है, जिसे डेफनी देखती है। अब 9 बॉल उसकी सिस्टर को फ़ोन करके इस नेकलेस के लॉक मैकेनिज्म के बारे में बताती हैं और वो इस लॉक मैकेनिज्म को आसानी से तोड़ देती हैं। आखिरकार इवेंट का दिन आता है और टैफनी क्लाउड के साथ जाती है। उसने $150 मिलियन का बेशकीमती नेकलेस पहन रखा है। उसके पीछे डेबी भी आती हैं, जिसने टैमी की मदद से अपना गलत नाम गेस्ट लिस्ट में ऐड करवाया था। इन लोगों के बीच नेकलेस की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं। इस इवेंट में यूरोपीय सुंदरता और इतिहास को बखूबी दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद टैफनी क्लाउड और रोज डिनर के लिए जाते हैं, जहां पर कॉन्टेंट्स वेटर के रूप में उन्हें खाना सर्व करना शुरू करती है। कॉन्टेंट्स चुपके से टैफनी के सूप में कुछ मिला देती है। सूप का टेस्ट सबको अच्छा लगता है। वे अपना सूप खत्म करते हैं, तब तक कॉन्टेंट्स सिर्फ एक को छोड़कर सभी बाथरूम के दरवाजे बंद कर देती है। कुछ ही देर में टैफनी को पेट दर्द शुरू होता है और वो बाथरूम की ओर भागती है। जब टैफनी वहां पर आती है, तब कॉन्टेंट्स उसकी मदद के लिए वहीं मौजूद होती है। मौका पाकर कॉन्टेंट्स मैग्नेट की मदद से नेकलेस निकाल लेती है। अब टैमी वेटर को बुलाकर टेबल पर से सभी खाने की डिशें हटा देती है। जब वेटर बाथरूम के सामने से गुजरने वाला होता है, तब डेबी उसे धक्का देकर ब्लाइंड स्पॉट पर धकेल देती है। उसी वक्त वहां मौजूद कॉन्टेंट्स बाथरूम से बाहर निकलकर नेकलेस को वेटर की ट्रे में रख देती है। वेटर प्लेट लेकर वॉश एरिया में जाता है, जहां पहले से अनीटा मौजूद है। अनीटा ये ट्रे ले लेती है और वेटर के जाने के बाद नेकलेस लेकर सीधे बाथरूम की ओर जाती है, जहां उसने नेकलेस को डिसमेंटल करने के लिए सामान रखा है। डेफनी बाथरूम से बाहर आती हैं, लेकिन उसके गले में नेकलेस नहीं होता। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड घबरा जाते हैं। वे तुरंत बाथरूम की ओर भागते हैं, जिसके बाद गार्ड सभी गेस्ट को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं, ताकि वे सबको एक एक करके चेक कर सके। टैमी की नज़र डेफनी पर है। एक गार्ड वॉश एरिया की ओर आता है, तभी 9 बॉल अनीटा को अलर्ट कर देती है। अनीटा को अपना काम पूरा करने के लिए थोड़े और वक्त की ज़रूरत है। जब गार्ड की नज़र बाथरूम की ओर जाती है, तब टैमी अपने पैर में से नकली नेकलेस निकाल कर पानी में फेंकती हैं और फिर सबको बताती हैं कि नेकलेस मिल चुका है। नेकलेस मिलते ही पॉल सभी गार्ड्स को वापस बुला लेता है, इसलिए बाथरूम की ओर बढ़ रहा गार्ड भी वापस आ जाता है। वहीं अनीटा हार के छोटे छोटे टुकड़े करके कॉन्टेंट्स को दे देती है। अब 9 बॉल पार्टी ज्वाइन करती है। वहीं डेफनी ने नकली हार पहना है। उसी दौरान कॉन्टेंट्स सभी टीम मेंबर को नेकलेस के टुकड़े बांट देती है। जब क्लाउड ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तभी डेबी उसके साथ टकराती है। वो क्लाउड को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अब पूरी गर्ल गैंग आसानी से नेकलेस के टुकड़ों के साथ पार्टी से बाहर आ जाती है। वहीं डेफनी ने जो नेकलेस पहन रखा था, उसे वापस लॉकर में रखने के लिए लाया जाता है। मैनेजर नेकलेस की जाँच करता है। शुरू में मैनेजर को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो गहराई से जाँच करता है। पता चलता है कि ये नकली नेकलेस है, इसलिए वो तुरंत इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर अफसर जॉन को नकली नेकलेस के बारे में बताता है। अब जॉन दोनों गार्ड से पूछताछ करता है।
वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब डेफनी बाथरूम में गई तब नेकलेस उनके सामने नहीं था। अब जॉन म्यूजियम के बाथरूम की जांच करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जॉन को अंदाजा हो जाता है कि जिसने भी ये नेकलेस चुराया है वो काफ़ी होशियार है। अब जॉन डेफनी की पूछताछ करता है जो बताती है कि पार्टी के दौरान उसका ध्यान नेकलेस पर ही था लेकिन जब वो बाथरूम गई तब उसका ध्यान नहीं था क्योंकि उसे वॉमिट हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गर्ल्स गैंग डेबी के घर पर सेलिब्रेट कर रही है। तभी वहाँ पर डेफनी आती है। डेफनी उन्हें बताती है कि उसने ऑब्जर्व किया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है। उसे यह भी मालूम था कि रोज नेकलेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि इस डकैती के बाद वो भी इस प्लान में शामिल होना चाहती थी। रोज को डर लगता है कि अब वे पकड़े जाएंगे और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस आरोप को अपने सिर पर ले ले और जांच समाप्त हो जाए। तभी डेबी बताती है कि उसके पास वो शख्स है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड है। जब डेबी उसके साथ पार्टी में टकराई थी तब उसने नेकलेस का एक टुकड़ा उसकी जैकेट की पॉकेट में डाल दिया था ताकि उसे नेकलेस की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। कुछ दिन बाद डेमी और डेबी स्किल्ड बुजुर्ग महिलाओं को इकट्ठा करती है जो कि प्रोफेशनल तरीके से चोरियां करती हैं। ये महिलाएं अलग अलग ज्वेलरी स्टोर में जाकर नेकलेस से चुराए हुए डायमंड बेच देती हैं। अब डेबी जॉन से मिलने जाती हैं। जॉन को यकीन है कि नेकलेस डेबी ने ही चुराया है लेकिन वो इसे साबित नहीं कर सकता क्योंकि डेबी कभी भी हार के आसपास नहीं थी। अब डेबी जॉन को कहती है कि अगर वो चोर को पकड़वाने में उसकी मदद करे तो उसे इनाम में नेकलेस की कीमत के 10% चाहिए। डेबी सबूत देने का भी वादा करती है इसलिए जॉन एग्री करता है। अगले सीन में हम डेफनी को देखते हैं जो कि क्लाउड से मिलने जाती है जहां डेफनी उसे सीड्यूस करके उसका ध्यान भटकाती है। डेफनी क्लाउड का कोट चेक करती है जिसमें उसे नेकलेस का टुकड़ा मिलता है। वो तुरंत उसकी फोटो लेकर डेबी को भेजती है। अब जॉन के पास इस बात का पक्का सबूत है कि नेकलेस क्लाउड ने ही चुराया है। अगली सुबह क्लाउड देखता है कि पुलिस उसके दरवाजे पर है। अब उसकी पूछताछ की जाती है क्योंकि वो पार्टी में हमेशा डेफनी के साथ था। साथ ही पुलिस को उसके अकाउंट में हाल ही में ट्रांसफर हुई बड़ी अमाउंट के बारे में भी पता चलता है। वहीं डेबी और उसकी टीम विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। डेफनी डेबी से पूछती है कि उसने नेकलेस के सारे पैसे क्लाउड के अकाउंट में ट्रांसफर क्यों कर दिए। वे क्लाउड को फंसाने के बजाय इन पैसों का दूसरा इस्तेमाल भी कर सकते थे। तभी लाओ बताती है कि अभी हर किसी के हिस्से में $16 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा आएगा क्योंकि जब सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया था तब उन्होंने म्यूजियम में यूरोपियन मूर्तियों पर लगे सारे नेकलेस चुरा लिए थे। उन्होंने 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए सभी मूर्तियों पर लगी ज्वेलरी की हूबहू नकली ज्वेलरी पहले से ही बना ली थी। लाओ और उसके पार्टनर ने सभी मूर्तियों पर नकली गहने रख दिए और ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को भी उन पर डाउट न हो। मूर्तियों से उठाए गए नेकलेस वे कैटर स्टोरी में लेकर निकल जाते हैं। इस काम में अनिता उनकी मदद करती है। इस लूट में उन्हें इतनी ज्वेलरी मिली है जिसे बेचकर सभी गैंग मेंबर के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि इन पैसों से सभी लड़कियां अपने सपने पूरे करती हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।